नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आईपीएल 2020 का आगाज होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। पहला मुकाबला 19 सितंबर को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और तीन बार आईपीएल खिताब जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। दोनों ही टीमें मैच के लिए कड़ी तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने कप्तान एमएस धोनी समेत कई मैच विनर खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2019 में अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड बांटे। कप्तान एमएस धोनी को साल 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स के कुशल नेतृत्व और टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए अवार्ड दिया गया। धोनी ने आईपीएल 2019 में 416 रन बनाए थे। धोनी ने आईपीएल 2019 में 23 छक्के और 22 चौके भी जड़े थे। वहीं टीम के ओपनर शेन वॉटसन को भी आईपीएल 2019 के फाइनल में साहसिक पारी खेलने का इनाम मिला। शेन वॉटसन ने आईपीएल 2019 के फाइनल मैच में 59 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेली थी। पारी के दौरान वॉटसन को चोट भी लग गई थी और उनके पांव से खून भी बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो क्रीज पर टिके रहे। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी आईपीएल 2019 में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। जडेजा ने आईपीएल 2019 में कुल 15 विकेट अपने नाम किए थे। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच और पूर्व खिलाड़ी माइकल हसी को भी सम्मानित किया गया। माइकल हसी 10 सालों से चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हुए हैं, इसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बार अपनी टीम से जुड़े स्पिनर सत्य साई किशोर को भी धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग के हाथों जर्सी भेंट कराई। बाएं हाथ के स्पिनर सत्य साई किशोर इस सीजन में धमाल मचा सकते हैं। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ड्रेविन ब्रावो को भी एक विशेष पुरस्कार दिया गया। ब्रावो अपने होटल के कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में जुड़े थे। आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा 26 विकेट लेने वाले इमरान ताहिर को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार ट्रॉफी दी। इमरान ताहिर भी होटल में अपना क्वारंटाइन पीरियड बिता रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।